ये वाला जो स्टैचू है यह 1 लाख रुपए का, और ये वाला भी 1 लाख रुपए का, ये वाला कुछ 1.5 लाख रुपए का, और ये वाला कुछ है 60-70 हज़ार रुपए का। इन सारे स्टैचूज में एक एक्चुअली दो पॉइंट कॉमन है, एक तो स्टैचूज बहुत महंगी है, एक लाख के स्टैचूज कौन खरीद रहा है, और रुपए में वो भी येन में नहीं, और दूसरा है कॉमन है कि ये सारी मैंने डिजाइन करी है। So nice, and it was sculpted by Ajay Pandey, amazing artist. The artist guy is a guy called AJ, fantastic guy, been working with him for many years. इस तरह के बहुत सारे आर्टिस्ट हैं इंटरनेट पे जो कि स्टैचूज बनाते हैं और फिर चाइना में प्रिंट होती हैं और फिर वो वर्ल्ड वाइड रीसेल करी जाती हैं। तो जापान में जो है टॉयज इंडस्ट्री के 4 मार्केट हैं, टॉयज मार्केट है, एक्शन फिगर्स है, कलेक्टिबल्स है और हॉबी मार्केट है। तो टॉयज़ वाले तो हो गए जो बच्चों के टॉयज़ वगैरह हो गए, गन्स हो गए, ट्रेन के ट्रैक्स हो गए, इस तरह की चीज़ें जिसमें सिर्फ बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं। एक्शन फिगर्स है, अब जैसे किसी को वन पीस पसंद है तो वो वन पीस का एक्शन फिगर अपने टेबल पर रखना चाहता है, या फिर अटैक ऑफ टाइटंस हो गया तो वो उसका एक्शन फिगर अपने टेबल पर रखना चाहता है। तो एक मार्केट उसका है एक्शन फिगर का। तीसरा मार्केट जो आता है यहाँ पे है कलेक्टिबल्स का। कलेक्टिबल्स सबसे एक्सपेंसिव कैटेगरी आती है इनमें, क्योंकि कलेक्टिबल्स क्या होता है, रेयरिटी होती है इन आइटम्स में। अब जैसे अल्ट्रा में 10 साल 20 साल 30 साल जब भी रिलीज हुआ उस टाइम पे उसके स्टैचूज बने होंगे, तब तो लोगों ने इतना उसे खरीदा नहीं, लेकिन अब वो सिर्फ 100 ही हैं जापान में, तो उनकी डिमांड बढ़ जाती है कि ये मेरे पास होगा, ये रेयरिटी हो गई है। एक तरह से ऐसे हम लोग पेंटिंग खरीदते हैं, NFT का कल्चर चल रहा है, उस तरह से ओनरशिप आ जाती है उस कलेक्टिबल्स को लेकर, इसलिए उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब लाखों लाखों में बिकते हैं यहाँ पे। तो एक छोटा सा टॉय होगा और हमको समझ में नहीं आता था ये क्यों 50 लाख रुपए का बिक रहा है। और चौथा आता है हॉबी का मार्केट। हॉबी का मार्केट जैसे मान लो अभी ये स्टैचू पेंटेड है, अभी जैसे ये पेंटेड स्टैचू है, अब इसका ब्लैक एंड व्हाइट, इसका ब्लैक या व्हाइट वर्जन आता है, उसके ऊपर लोग खुद जाके पेंट करते हैं। जैसे ये सूट अभी यहाँ पे ब्लैक है और किसी को क्लासिक वॉल्ड्रिन चाहिए जो कि येलो था या लाइट ब्राउन था, येलो ब्राउनिश कलर में था, किसी को उसमें पेंट करना है, तो वो एज अ हॉबी कल्चर में आ जाता है। तो जापान में इस तरह से इन्होंने जो 4 मार्केट्स हैं उनको डिवाइड कर रखा है और उन चारों के अलग अलग स्टोर्स हैं। अब जैसे बच्चों के टॉयज़ के लिए हो गए, योदोबाशी में पूरा फ्लोर बना रखा है उन्होंने, और या टॉयरस कंपनी हो गई, एक्शन फिगर्स का जैसे हो गया तो कोतोबुकिया हो गया, या टॉय सेपियंस हो गया, या मंदरा के हो गया, या फिर कलेक्टिबल्स के लिए जाना है तो बुक ऑफ हो गया, या फिर मंदरा के में भी बहुत 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 महंगे महंगे कलेक्टिबल्स मिलते हैं। और चौथा हो गया जो हॉबी हो गया, हॉबी के भी बहुत सारे यहाँ पे हैं, योदोबाशी में 2-3 फ्लोर हैं उन्होंने हॉबी के बना रखे हैं। तो इस तरह के जापान में अलग अलग स्टोर्स बना रखे हैं। तो आज वही जाके स्टोर्स में देखते हैं कि किस तरह से इंडस्ट्री जापान में काम करती है। तो पहले जाते हैं हम टॉयज वाले में, फिर एक्शन फिगर, फिर कलेक्टिबल्स, और फिर एंड में देखते हैं हॉबी को। तो निकलते हैं फिर। पहली जगह जहाँ पे गया वो था योदोबाशी कैमरा। यहाँ पे उन्होंने पूरा फ्लोर एक बना रखा है जो कि हॉबी और टॉयज को लेकर। ये जो बाइक वगैरह के मॉडल्स हैं ये एकदम रियल बाइक्स के स्केल मॉडल्स होते हैं जो कि 1:2, 1:4 और 1:6 के हिसाब से बनते हैं, और इनके प्रपोर्शंस एग्जैक्टली वैसे होते हैं जैसे रियल बाइक्स के होते हैं, और जापान में ये बहुत सस्ते मिलते हैं। तो एक अच्छा खच्चा की मशीन मिल गई है स्पाइडरमैन की। तो ये काम कैसे करती है, तो ये 300 लिए इसको यहाँ डाले, 1, 2, 3 और इसको घुमाएंगे। तो इसमें जो आवाज़ आती है इसको घुमाने पे, इसको गच्चा गच्चा बोलते हैं। हाय, ये चाहिए तो नहीं था। छुट्टे करने के लिए ये स्पाइडरमैन लेके जाना है।
जिन जिन को जिबली मूवीज पता होगी उनके लिए दुकान तो जन्नत है। यहाँ पे कई जाने पहचाने मूवीज के कैरेक्टर्स तुमको दिख जाएंगे। गेस करना कौन सी मूवीज के हैं। निकोबस, टोटोरो, नमाय, नमाय वनानी, टोटोरो, डिलीवरी सर्विस, प्रिंस मोनोनोको, मोनोनोको, मेमो, मेमो, नेमो, हावानाशी, इट्स नॉट नेमो, इट्स ने, पोन्यो, पोन्यो, यो, दैट्स माय डैड, व्हाट्स दिस, सोस्के, आई फॉरगॉट व्हाट दैट इज, नमा नानी कौन है तुम, मकरो क्रस्के, शिट, आई लाइक दिस, 350 के हैं सारे, 350 के हैं सारे। ये जापान की बहुत फेमस पेंटिंग का इन्होंने लेगो का बना रखा है। अब नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो मेरी फेवरेट कैटेगरी है, एक्शन फिगर्स। इसने पूल को मुड़ के नहीं देखा। सो अगली जगह पे जहाँ गए उसका नाम था मंदराके, और इस जगह पे ऐसे कलेक्टेबल बहुत अच्छे तो नहीं थे, लेकिन इनके बस प्राइस देखना तुम लोग। वैसे तो प्राइस येन में लिखे हुए हैं, लेकिन मैं इनको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके डालता हूँ। 40,000 दिस, तो ये खिलौना 30,000 का, 70,000 फॉर दिस। इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे हैं, ये दिख रहे होंगे, पूरा भरा पड़ा है। 16,000, 16,000 का कार्ड, ये 50,000 का, रुको मानो किसी ने, और जिला बुड्ढा 16,000 का, ये 600 इनका, ये 40,000 का, 600 इन, 40,000, 30,000 का, ये भूत लगभग 40,000, ये जादूगर सम्राट 33,000 का, सेक्सी जोन, ऐसा क्या सेक्सी है? ओके, ये कैसे सेक्सी है? बैटमैन को कोरोना हो गया, स्क्वाट नहीं मारी भाई ने, 10,000 है। अब आते हैं हॉबीज के सेक्शन में। जैसे ये तामिया घर की कंपनी है, ये कार रेसिंग के पार्ट्स बनाती है, जैसे छोटे मोटर्स हो गए, तो लोग इसको कस्टमाइज करते हैं। तो ये योदोबाशी में जैसे 150-150 रुपए के मोटर मिलते हैं और गाड़ी के पार्ट्स मिलते हैं, तो बच्चे इन्हें खरीद के अपनी गाड़ी बनाते हैं और फिर इस तरह से रेस ट्रैक पे चलाते हैं। किट्स मिलती हैं इसको, तो पेंट खरीद के और पेंट कर सकते हो। तो जैसे इंस्ट्रक्शन होंगे, ये कोई प्लेन है और इस तरह से ग्रे में मिलता है ये, और उसके बाद पेंट खरीद के इस पर पेंट कर सकते हो। ये वो 3D मॉडल है जो बोल रहा था, ये लोग पेंट करते हैं, और ये अगर मैं अपनी उंगली से लगाऊं तो इतने बड़े हैं ये, लेकिन इनकी डिटेल देखो। हॉबी वाले कलर्स, तो ये लोग यहाँ से कलर्स वगैरह लेते हैं, और ये अल्कोहल वगैरह है। और इस तरह से सेट क्रिएट करते हैं। जो मेरी परमानेंट जॉब है वो टॉयज इंडस्ट्री से बिल्कुल रिलेट नहीं करती है। मैं एज अ कैरेक्टर आर्टिस्ट जॉब करता हूँ, प्ले स्टेशन या निटेंडो इस तरह के ट्रिपल ए गेम टाइटल्स के लिए, और कभी मौका मिला तो उसके अलग वीडियो बना दूंगा। लेकिन जैसे ये जो है ये सिर्फ एज अ मैं हॉबी परस्यू करता हूँ। जैसे अगर वीकेंड पे 2-3-4 वीकेंड में खाली है, कोई ट्रिप नहीं है, तो मैं इस तरह से काम उठा लेता हूँ, इनको डिज़ाइन कर दिया और चाइना भेज दिया। चाइना में उन्होंने कट किया उसको,
प्रिंट किया और उन्होंने क्लाइंट को भेज दिया और मेरे पास पैसे आ गए। तो ये बस मेरी एज अ हॉबी परस्यू करता हूँ, इसको मैं देखता हूँ। और बहुत सारे आर्टिस्ट इंडिया में इस तरह का काम कर रहे हैं, अभी ये हॉबी धीरे धीरे बढ़ी रही है। अगर ये वीडियो देख के कोई इस लाइन में जाना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी ये करियर अभी बूम ही कर रहा है। अरे छाता सुखाने की मशीन।